और आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि फाइल क्या होती है और फाइल कितने टाइप की होती है। देन फिर हमने एक फाइल क्रिएट की थी और फिर हमने क्या किया था, उस फाइल में कुछ डेटा राइट किया था। तो यहाँ पर हमारी एक फाइल क्रिएट हुई थी arvind.txt की और इसमें हमने कुछ डेटा राइट किया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि जो हम फाइल है उससे डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किसी भी फाइल से डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस चीज़ को पहले रिमूव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, एज एक पॉइंटर टाइप का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैरेक्टर लेंगे और इस कैरेक्टर का नाम रखेंगे हम डेटा। और इसकी हम साइज़ दे देते हैं, यहाँ पर मैं 255 इसकी एज एक साइज़ दे देता हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, हमने अगर आपने हमारा पिछले सेशन देखा हो तो हमने वहाँ पर देखा था कि किसी भी फाइल को जब भी हम रीड या राइट करते हैं तो हमारे पास तीन स्टेप फॉलो करनी होती है। पहला होता है फाइल को ओपन करना, दूसरा रीड और राइट, और तीसरा होता है फाइल को क्लोज करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे fp=, और यहाँ पर ओपन करने के लिए हम एक फंक्शन होता है हमारे पास fopen, और इसमें हमें दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है फाइल नेम, तो यहाँ पर हमने चूँकि हमने जो फाइल क्रिएट की थी वो की थी arvind.txt, तो यहाँ पर आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी फाइल का डेटा एक्सेस करके रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का फुल पाथ देना पड़ेगा। देन दूसरा हमें यहाँ पर पैरामीटर पास करना होता है फाइल मोड। तो चूँकि हम यहाँ पर किसी फाइल को अब यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मोड होगा वो होगा रेट, मीन्स आर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोड डिफाइन किया आर। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वाइल लूप लिया और इसमें हम लेंगे फंक्शन हमारे पास एफ स्कैन, एक फंक्शन होता है स्कैन। देन इसमें हम पास करेंगे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, और दूसरा हम पास करेंगे कि फाइल में डेटा किस तरह का। तो यहाँ पर चूँकि हम एक txt फाइल है, तो इसमें जो भी हमारा डेटा होगा वो एज ए स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे फाइल का डेटा टाइप। देन यहाँ पर हम लेंगे एक जो हमारा डेटा, देन यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू eof मीन्स एंड ऑफ फाइल। तो अभी हम इसको समझेंगे, देन हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीड करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ, देन यहाँ पर हम डेटा टाइप देंगे और यहाँ पर हम बात देंगे डेटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट, यहाँ पर हमने लिया वाइल, देन हमने लिया इसकी एफ स्कैन, देन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा एफ पी। अगेन हम इसको रन करके चेक करते हैं,
एफ वी डेटा एंड ऑफ, शायद हमने यहाँ पर एक और क्लोज करना यहाँ पर इसके लिए, ओके यहाँ पर हम क्लोज करना भूल गए थे। फिर टोकन एंड ऑफ तो यहाँ पर इसका क्लोज हुआ, सॉरी यहाँ पर हमें इसको क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे वाइल एफ स्कैन, देन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया, देन हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्ट्रिंग, देन हमने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया, देन इक्वल्स टू ई एंड ऑफ फाइल, देन हमने क्या किया प्रिंट एफ, देन हमने यहाँ पर पास किया डेटा। ओके सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, फाइल को क्लोज़ नहीं किया, तो यहाँ पर हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। इम्प्लीकेट डिक्लेरेशन फंक्शन एफ स्कैन, शायद एफ स्कैन यहाँ पर कुछ शायद, सॉरी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा ये एफ स्कैन एफ। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको रन करके चेक करते हैं। एफ क्लोज, तो शायद हमें यहाँ पर डेटा टाइप एफ पी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फाइल का डेटा रीड कर लिया। तो हम सिंपली इसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन हमने क्या किया एक कैरेक्टर लिया और उसकी हमने साइज़ ली 255 कैरेक्टर के लिए, देन हमने क्या किया फाइल को ओपन किया थ्रू ओपन फंक्शन, और देन हमने इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है डेटा टाइप, सॉरी फाइल का नेम, या आप इसको फाइल पाथ, अगर आप और कहीं से फाइल एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फुल पाथ देना होगा। देन फाइल मोड, तो यहाँ पर चूंकि हम राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने दिया आर। देन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक वाइल लूप के थ्रू उस फाइल को स्कैन कर रहे हैं और उसका हर एक डेटा रीड कर रहे हैं जब तक कि इसकी एंड ऑफ फाइल, मीन्स फाइल का जब तक एंड ना हो जाए, और ये डेटा हम किस में कॉपी करते जा रहे हैं अपने डेटा के अंदर थ्रू हमारी इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू। और देन हमने क्या किया इस फाइनली इस डेटा को हमने प्रिंट करवाया और यहाँ पर हमने क्या किया इस फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।